नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। इन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ उतरेंगी दोनों टीमें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है, जहाँ पर दोनों टीमों के पास काफी खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चाहते हैं टीम इंडिया धमाकेदार तरीके से इस सीरीज का आगाज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया को भारत में टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस टीम के बल्लेबाजों ने अगर अच्छी बल्लेबाजी नहीं की तो फिर इनका सपना टीम इंडिया को हराने का सिर्फ एक सपना ही रह सकता है। हम इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी अटैक के सामने इन दोनों बल्लेबाजों का टिकना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 3 पर मार्नस लाबुसाने खेलने वाले हैं। यह भी एक बेहतरीन प्लेयर है जो शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें स्टीव स्मिथ खेलते नजर आएंगे। स्टीव स्मिथ के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी टेस्ट क्रिकेट में कमाल का रहा है, तो ये सबसे बड़े प्लेयर इस टीम की तरफ से साबित हो सकते हैं। वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 की, तो यहाँ पर हमें ट्रेविस हेड खेलते हुए नजर आएंगे। हेड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रहा है। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 7 पर मैथ्यू रेंसो खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि अपनी टीम को एक शानदार गेंदबाजी ऑप्शन भी देने वाले हैं। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 8 पर एस्टन एगर उतरेंगे, तो नंबर 9 पर कप्तान पैट कमिंस उतरने वाले हैं। एस्टन एगर इस टीम के सबसे बड़े स्पिन गेंदबाज भी साबित हो सकते हैं। हालांकि नेथन लियोन जो कि नंबर 10 पर उतरेंगे, वह भी कमाल की गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर जेस हेजलवुड जो की चोटिल हो चुकी है, उनकी जगह पर स्कॉट बोलेन हमें खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी शानदार नजर आ रही है। वहीं पर अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में रोहित शर्मा और उनके साथ पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे केएल राहुल। टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन से बेहतरीन पारी की शुरुआत की यहाँ पर उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा हमें खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल चेतेश्वर पुजारा अपनी बेहतरीन फॉर्म में लौट चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए यह एक बुरी खबर है। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली की हम बात करें तो बल्ले से तो विराट कोहली कमाल करते हुए नजर आएंगे ही, साथ ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 5 पर हमें सुमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। सुमन गिल की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है वनडे टेस्ट और T20 में, जिसके चलते इन्हें नंबर 5 पर मौका मिलेगा। वहीं पर नंबर 6 पर KS भरत उतरेंगे, तो नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा से भी यहाँ काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नंबर 8 की, तो यहाँ पर अक्षर पटेल उतरेंगे, तो नंबर 9 पर हमें रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, तो नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 भी काफी मजबूत नजर आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को टक्कर दे पाएगी? आप हमें अपनी राय और अपनी प्लेइंग 11 कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।